सूर्यनाय नमः ॐ लंबोदराय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ विघ्नहर्ताय नमः
सुन गौरी हर को आतलिए गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहे न जाए लागत हो पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वर रवदा जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भई विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतन संपद सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे तो सारी नंदन ऋषि दिन गुण गावे जय देव जय देव श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव
हरको नाम तलिए गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहीं न जाए लाग तो पर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वर दाता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी दंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतन संपद सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव गणपति के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना का प्रारंभ करने जा रहे थे। अपने महाकाव्य के लिए वे एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित ना करे। अब इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश की याद आई और उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। अब गणेश जी ने भी उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन में विश्राम ना लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ ना लिखेंगे, हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उनका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। अब इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। अब दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति क्षमता और बुद्धिमता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता
मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी दंड स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता सन्नति मारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव कोई शरणागत आवे संतन संपद सब ही भरपूर पावे ऐसे गुरु महाराज मोको अति भावे को सारी नंदन ऋषि निज गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव ಹರಕೋ ಆ ತಲಿಯೇ ಗುಡಲಟ್ಟು ಸಾಯಿ ಸುರ ಬರಕೋ ಮಹಿಮಾ ಕಹಿ ನ ಜಾಯ ರಾಗ
शिक्षाएं माली समाज शिक्षा विभाग मंडल आप सर्वे आवेदन भक्तजनों को हार्दिक स्वागत करे छे। एक समय दो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप समस्त लोगों में आतंक मचाए हुए थे। वो दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे, क्योंकि धरती पर हवन यज्ञ आदि होते रहते थे, जिससे देवताओं को बल मिलता था। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए।
गौरी हर को नाम चलिए गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहीं न जाए लागत हो पर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वर रवता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतन संपद सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे जो सारी नंदन निज निज गुण गावे जय देव जय देव श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव
Thank you.
गौरी हर को नाम चलिए गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहे न जाए लागत हो पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वर दाता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतन संपद सब ही भरपूर पावे ऐसे गुरु महाराज मोको अति भावे जो सारी नंदन ऋषि दिन गुण गावे जय देव जय देव श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव
सुन गौरी हर को नाम चलिए गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहे न जाए लागत हो पर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा वर रवता जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी स्थल मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता चंद्र तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संत संपद सब ही भरपूर पावे